हार्मनी इन द सोसाइटी, जब भी हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या पिक्चर आता है? कि अपार्टमेंट में ढेर सारे लोग रह रहे हैं, ये पिक्चर आता है। लेकिन अगर आप देखें अपार्टमेंट में जितने लोग रह रहे हैं उनको एक दूसरे से कितना मतलब है, कितना म्यूचुअल फुलफिलमेंट कर रहे हैं, कितनी एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो वो सोसाइटी नहीं है। सोसाइटी का मीनिंग है जहाँ पर हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट शो करते हैं, दैट इज सोसाइटी। अदरवाइज वो क्या है, क्राउड है, जहाँ पर कई फैमिलीज रह रही हैं लेकिन किसी को एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, दैट इज क्राउड। एंड नेक्स्ट इज बैटल फील्ड। अगर हम टर्म की बात करें बैटल फील्ड, जहाँ पर बहुत सी फैमिलीज रह रही हैं लेकिन सभी एक दूसरे के साथ अपोजिशन में है, उनके जो थाट्स हैं वो अपोजिशन के हैं, दैट इज बैटल फील्ड। तो अगर हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी में फर्स्ट थिंग इज कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट हम कर रहे हैं कि नहीं। तो जब भी हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले हम आते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। इंडिविजुअल लेवल पर हमने राइट अंडरस्टैंडिंग इंश्योर की है कि नहीं। इंडिविजुअल लेवल पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अभी एक मिसबिलीव बना हुआ है कि इंडिविजुअल लेवल पर सबका गोल, सबने सोचा हुआ है कि मनी इज़ एवरीथिंग। एक सिनेरियो सोचिए, अगर कल आप सबके बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा ना रहे तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? कर पाएंगे। लेकिन अगर इस यूनिवर्स से सारे नेचुरल रिसोर्सेस खत्म हो जाए, देर इज नो एयर, नो वाटर, नो फूड, तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये समय है कि आपको समझना है कि आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट हैं, आपके रिलेशंस इम्पॉर्टेंट हैं, मनी इज़ द पार्ट ऑफ इट, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये मिसकंसेप्शन जो लोगों के मन में है, ये जो भ्रम है, वो हमें दूर करना है। फैमिली लेवल पे बात करें तो फैमिली में सबके अंदर क्या फीलिंग होनी चाहिए, प्रॉस्पैरिटी की फीलिंग होनी चाहिए। प्रॉस्पैरिटी क्या है, फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन इनफ। अगर सभी ये राइट अंडरस्टैंडिंग रखें कि हमारे पास जितना है उससे हमारी सारी नीड्स फुलफिल हो पा रही हैं और हम दूसरे का भी सहयोग कर पा रहे हैं, तो फैमिली में हम रिजॉल्व फॉर्म में रहेंगे। सोसाइटी में हम क्या चाहते हैं कि सोसाइटी में हम सभी एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पाए, फियरलेसनेस हो। नेचर पर हमें मास्टरी नहीं करनी, उसके साथ कोएग्जिस्टेंस में रहना है जिससे बैलेंस बना रहे। जैसे सभी को पता चला कि अर्थ के अंदर कोल अवेलेबल है, तो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, उस कोल को एनर्जी फॉर्म में यूज़ किया, जितना भी कोल था सारा माइनिंग कर लिया। लेकिन कोल की क्या एस्पेक्ट्स हैं सारे लेवल पर, वो हमें समझने की ज़रूरत थी। अगर कोल अर्थ में अवेलेबल है तो वो वाटर अब्जॉर्ब करता है, जो हीट है उसे भी अब्जॉर्ब करता है, तो बाहर के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हमारा टेम्परेचर बैलेंस रहे, हमारे अर्थ में वाटर का जितना अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए वो अवेलेबल रहे, उसके लिए भी हमें बैलेंस बना कर रखना चाहिए था, उसके बारे में नहीं सोचा। तो हमें नेचर के साथ कोएग्जिस्टेंस कैसे बना कर रखना है, देयर आर फोर ऑर्डर्स, चार ऑर्डर्स हैं आपके। फर्स्ट ऑर्डर इज मटीरियल ऑर्डर, जहाँ पर हम जितने भी केमिकल्स हैं, सॉइल है, माउंटेन है, उन सब के बारे में बात करते हैं। दूसरा प्राणिक ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर में ट्रीज हैं वो सारे आपके आते हैं। फिर एनिमल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर में सारे आपके एनिमल्स आते हैं। फिर फोर्थ ऑर्डर इज ह्यूमन ऑर्डर, जहाँ पर आपका ह्यूमन बीइंग आता है। चारों ऑर्डर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कोएग्जिस्टेंस में है, सभी कुछ एक दूसरे से ले रहे हैं, एक दूसरे से दे रहे हैं। तो जो तीनों ऑर्डर हैं, ह्यूमन ऑर्डर को छोड़कर, मटीरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर, उन्होंने अपना बैलेंस बनाया हुआ है, वो अपनी साइकिल को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग है, उसी ने साइकिल को डिस्टर्ब किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सारी चीज़ें गवर्न नहीं की हैं। उसने किस बेसिस पर सारे अपने गोल्स डिसाइड किए हैं कि फैमिली में जितना भी है एक्युमुलेट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को हम एक्युमुलेट कर सके, और इंडिविजुअल लेवल पर मनी है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोसाइटी लेवल पर हम दूसरे पर डोमिनेट कर सके, नेचर लेवल पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको सबसे ज़्यादा यूज़ कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को ले लीजिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनकी नीड्स भी फुलफिल हो गई हैं,
तो उनका क्या गोल होना चाहिए कि वो रिसोर्सेज बाकी ह्यूमन बीइंग को एक नॉमिनल प्राइस में उन तक पहुंचाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके भी वो हाई चार्जेस करके दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनके अंदर ये फीलिंग खुद से नहीं आ पाई है कि हम प्रॉस्परस हैं। प्रॉस्पैरिटी का मतलब ये नहीं आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं। प्रॉस्पैरिटी का मीनिंग है जब आप ये फील कर पाएँ कि आपके पास जितना भी है उसमें आप हैप्पी हैं, आपके पास जितना भी है उसमें आप अपने आप को सक्षम पा रहे हैं कि आप अपनी नीड्स फुलफ़िल कर पाएंगे और दूसरों की नीड्स भी फुलफ़िल कर पाएंगे। अभी लोगों ने ऑब्सेशन कर रखे हैं, उन्माद हो गया है। कैसा उन्माद है? कुछ लोगों को कि लाभ उन्माद है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट है उन्हें मिल जाए। बहुत सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंपनीज हैं, वो क्या चाहती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप नेस्ले का एग्जाम्पल ले लीजिए, कंपनी है वो मैगी आपको मार्केट में प्रोड्यूस कराता है, आपको प्रोवाइड कराता है, लेकिन उन्होंने किस आस्पेक्ट के बारे में सोचा है? टेस्ट के बारे में सोचा है कि आपको टेस्ट प्रोवाइड कराया जाए और उस टेस्ट से वो प्रॉफिट ले। लेकिन आपकी हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने नहीं सोचा है। आप दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अमिताभ बच्चन जी जो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ऐड करते हैं, हाजमोला का ऐड करते हैं और उसमें बोलते हैं कि आप जो मर्जी खाओ और हाजमोला से बचाओ। अगर समझदार इंसान होता तो कहता जो आपके लिए हेल्दी है वो खाओ फिर हाजमोला से बचाओ। लेकिन उन्होंने ऐड से मीनिंग है सही समझ का उन्होंने वहाँ पर उसको यूज़ नहीं किया है। बस किस तरीके से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को या कुछ इंडिविजुअल्स को मिल सके उस पर फोकस हो रहा है। और अगर इस तरीके से फोकस बना रहेगा तो कुछ लोग डिप्राइव्ड सिचुएशन में हमेशा बने रहेंगे। तो हमें यहाँ पर बैलेंस बनाना है, हमारा सबके साथ कोएग्जिस्टेंस है उसको समझना है। अगर हम एग्जांपल लें मेल एंड फीमेल का, दोनों एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्टेंस में है, कोई भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कुछ स्किल्स फीमेल के पास है, कुछ स्किल्स मेल के पास है, किसी एस्पेक्ट में मेल हेल्प करते हैं, किसी एस्पेक्ट में फीमेल हेल्प करते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट या किसी भी एक एस्पेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करना, इशू बनाने का कोई मतलब नहीं है। हर एक चीज़ कॉम्प्लीमेंट करते हुए है तो एक दूसरे को समझ कर आगे बढ़ना है, जिसकी जहाँ इम्पोर्टेंस है वो अपना रोल वहाँ पर प्ले करें। अगर हम इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर इश्यूज में ये समझते रहेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है, तो इश्यूज हमेशा बने रहेंगे, कहीं भी सही समझ का भाव नहीं आएगा। तो ओवरऑल ह्यूमन गोल क्या है? सभी इंडिविजुअल में राइट अंडरस्टैंडिंग, फैमिली में प्रॉस्पेरिटी, सोसाइटी में ट्रस्ट और नेचर के साथ कोएग्जिस्टेंस।